हाय गाइस, मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 9th केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर आज जो टॉपिक रहेगा आपका, वो टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल एग्जांपल, यानी जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो उससे संबंधित कुछ क्या है न्यूमेरिकल हैं, वो न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए, आइए, नंबर एक हमारा न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इसकी संयोगकता क्या है, यानी कि एक न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, वो कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कितना है, 2882 है, यही तो है भाई, 2882 है। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, ये पूछ रहा है कि इसकी संयोजकता क्या होगी, इसकी संयोजकता क्या होगी, क्या होगी क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारा 2882। यहाँ पर देखिए, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 8 है, तीसरे कोष में 8 है, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कक्षाओं के रूल के अनुसार यहाँ पर 2n² में 2 इलेक्ट्रॉन ये पूरे हैं, यहाँ पर पूरे हैं, लेकिन यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, क्योंकि अभी कोई भी बाह्यतम कोष अष्टक के नियम के अनुसार, अष्टम के नियम के अनुसार कोई भी परमाणु जो होता है अपने 8 पूरे करने के लिए उत्सुक होता है, जिससे कि वो अपनी स्थायी अवस्था प्राप्त कर सके, यानी स्थायी परमाणुओं की तरह कक्षाओं का स्थायित्व प्राप्त कर सके। जैसे हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 हैं, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा गैस हैं, या आगे नियोन है, जितने भी एक्रिय गैस हैं, एक्रिय गैसों का रूप क्या करना प्राप्त करना चाहता है, यानी कि उनकी तरह स्थायी होना चाहता है। तो ये रूल कहलाता है, कोई भी परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉनों को दे करके या ले करके अपने 8 पूरा करना चाहता है, जिससे कि वो स्थायी संरचना प्राप्त कर सके, ठीक है भाई। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर, तो अगर ये वाला तत्व क्या कर दे, ये वाले इलेक्ट्रॉनों को दे दे, क्या कर दे, इलेक्ट्रॉनों को दे दे, तो इसका ये स्थायी प्राप्त कर सकता है 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है या दे रहा है, क्या कर रहा है, उसका छूट रहा है या दूसरे को दे रहा है, क्या कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी संयोजकता कितनी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, एक साझा परिभाषा के अनुसार संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होती है, जितने इलेक्ट्रॉनों से वो संयोजन क्षमता होती है, कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है या ले रहा है या संयोजन कर रहा है, यानी साझेदारी कर रहा है जितने इलेक्ट्रॉनों से, तो वो क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी हो रही है, तो इसे क्या है, 2 हमारा संयोजकता कहलाती है, क्या कहलाती है, ये संयोजकता, क्या कहलाती है, ये संयोजकता कहलाती है, ठीक है भाई। तो ये है आपका, ये था, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, इसकी मैंने इसकी मेजरमेंट दी, आप इसको कर लेना, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट कह रहा है कि एक परमाणु क दूसरे परमाणु ख को 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करके यौगिक ख बनाता है, ख की संयोजकता बताइए तथा ख की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो अब देखिए, यहाँ पर मान लें कि 2 परमाणु हैं, एक दूसरा उदाहरण है, दूसरा एग्जांपल है, वो लिख लेते हैं हम, एग्जाम्पल हमारा 2 है, ये कह रहा है 2, और इसमें कह रहा है कि एक परमाणु के और दूसरे परमाणु ख को 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, एक परमाणु के दूसरे परमाणु
छह को दो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है या देता है, स्थानांतरित करता है, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, ये तो हो गई इसमें बात। और कैखे यौगिक बनाता है, क्या बनाता है भाई, के और खे, यानी कैखे यौगिक बन जाता है, क्या बन जाता है, कैखे यौगिक बन जाता है, यौगिक बनता है, ठीक है भाई। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि भाई खे की संयोजकता बताइए तथा खे की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। अब खे की संयोजकता पूछ रहा है, खे की संयोजकता, खे की संयोजकता तथा खे की अंतिम कक्षा में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है भाई, ये है खे की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, खे की संयोजकता कितनी है, तो ये मालूम कर रहा है। तो एक परमाणु है के, दूसरा परमाणु खे है, तो ये के जो कर रहा है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन कर लेते हैं। के क्या कर रहा है, के जो दो इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है खे को, वो क्या बना रहे हैं, के और खे यौगिक बन गए, ये हमारा यौगिक बन गया, ठीक है भाई। अब ये पूछ रहा है कि खे की संयोजकता क्या होगी, जब ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लेने की इसकी क्षमता है, ये दे रहा है। तो देखिए बात ये है कि हम इसको देख लेते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि जब के दे रहा है तो इसका मतलब कि इसके बाह्य कोष में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं जिसको ये ले रहा है। और खे के अंदर क्या है कि इसके बाह्य कोष में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन कम हैं जो अपने स्टेप पूरा करने के लिए। तो इसके अंदर देखिए, कै के अंदर, कै की कोष में क्या है, प्लस टू इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके बाह्य कोष में दो और आठ, आठ पूरे हैं, तीसरे कोष में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये है। और खे का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है दो और आठ और छः, ये भी हो सकता है, या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि दो और छः, कितना, दो और छः, ये है, ठीक है भाई। तो इसकी बाह्य कोष में, खे की बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, खे की बाह्य कोष में, छह इलेक्ट्रॉन होंगे, छह इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पर। और जबकि इधर देखिए छह इलेक्ट्रॉन होंगे इसके खे की बाह्य कोष में, और तो ये क्या करता है, क्योंकि ये अपने अष्टक पूरी करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसके कितने हो जाते हैं, फिर स्थायी रूप कर लेता है, दो और आठ। तो इसमें दो सवाल पूछे गए, क्या पूछे गए, एक तो ये पूछा गया कि खे की संयोजकता बताइए, खे की संयोजकता कितनी हो गई, खे की संयोजकता जो हो गई खे की, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो खे की संयोजकता कितनी हो गई, खे की संयोजकता दो हो गई, कितनी हो गई, दो। और खे की बाह्यतम कोष में अगर खे की संयोजकता होगी, खे की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी होगी, हमारी छह होगी, खे की अंतिम कक्षा में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी हो गई, वो हो गई हमारी आठ, वो सॉरी खे की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या छः है, जब ही तो वो दो इलेक्ट्रॉनों को लेता है, ठीक है भाई। तो ये है इसका आंसर, यानी कि जब उसमें, क्योंकि वो अष्टक पूरा करना चाहेगा, अष्टक पूरा करने के लिए, आठ पूरा करने के लिए दो इससे ले लेगा और ये त्याग देगा, क्योंकि इसके बाद उसमें आठ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल थे
ये एग्जांपल साथ के साथ समझिए, इसके अकॉर्डिंग हम आपको क्या है कुछ आगे जा कर के न्यूमेरिकल करने के लिए देंगे आपको, ठीक है। तो ये था आज के लिए आपका, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।